so much, sir. कृतिका चौधरी ऑफिशियल, आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं एकदम ठीक हूँ। अभी एक हफ्ते से ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे को बैक में बहुत सीवियर पेन था और फीवर, गला ख़राब, सब कुछ एक ही साथ हो गया था। बट अब भी आई एम बेटर और भाई देखो मैं तैयार हो रखी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने स्कूल जहाँ से मैं पास आउट हुई थी। और भाई इतना अच्छा लग रहा है वापस स्कूल जाके बहुत सालों बाद। और मैं क्यों जा रही हूँ, मैं वहाँ पे जन्माष्टमी का इवेंट के लिए जा रही हूँ एज अ चीफ गेस्ट एंड इट फील्स सो गुड। ट्रस्ट मी, पहले जब मेरे स्कूल के डीन ने मेरे को बोला था ना कि यू आर कमिंग एज अ चीफ गेस्ट, यू आर इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, ट्रस्ट मी उन्होंने यही बोला दैट मनन सर आई डू नॉट डिजर्व दिस एंड देन ही सेड मी यू डिजर्व ऑल। तो आई स्टिल बिलीव दैट मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं एज अ चीफ गेस्ट कहीं जाऊँ क्योंकि मैंने ऐसा लाइफ में कुछ नहीं करा अभी। बट ठीक है, आपके बड़े कुछ बोलते हैं तो पहले स्कूल टाइम पे इनकी बातें समझ नहीं आती थी, आज समझ आती है जब लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ कर लिया। और कौन इस बात से अग्री करेगा कि बड़ों की बातें ना तब समझ आती है जब आप लाइफ में उस फेज में पहुंच जाते हो जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट होता है, तब आपको बड़ों की सारी बातें अच्छी लगती हैं और समझ में आती है। सो मैं रेडी होकर अभी आपसे मिलती हूँ फटाफट से क्योंकि लेट हो रहे हैं, 9 बजे स्कूल पर रिपोर्ट करना है और बस वहाँ जाके आपको आज का जन्माष्टमी इवेंट दिखाते हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल और भाई मैं अपना स्कूल दिखाती हूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना स्कूल आके, अच्छा सा लग रहा है, बहुत दिखाती हूँ। गाइस ये है मेरा स्कूल जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल, आई एम एन एक्स JMPS स्टूडेंट। गाइस ये देख लो, ये है मेरा स्कूल, आई लव JMPS। यार स्कूल कितना चेंज हो गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे देख के स्कूल को। अब अंदर बच्चे कितना चेंज हुए हैं, क्या है, पूरा एक जनरेशन गैप है। बच्चा पार्टी आ रही है सामने से, सो मैं सब दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और भाई एंट्री वगैरह भी होती है अब तो, मतलब आई एम लाइकिंग इट। मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल और भाई ये पास मिला है, मेरे को अपनी क्लास की याद आ गई, हम क्लास में से आईडी कार्ड पहन के आते थे। मनन सर, स्कूल के बच्चे जो भी देख रहे हैं किस किस को याद आ गई, सबके सर के थप्पड़ स्पेशली। या रूल्स हैव बीन चेंज्ड सर, सो ही हैज गॉट अ केक फॉर मी व्हिच आई रियली डोंट नो फॉर व्हाट एंड रियली थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो हियर वी आर, थैंक यू, कैसे केक, थैंक यू सो मच सर, कमिंग बैक टू स्कूल, हाउ डू यू फील, आई फील ग्रेट, एवरीथिंग हैज गॉट चेंज्ड एंड लुकिंग टू द एंट्रेंस सीट, दैट्स व्हाट माय फील, या व्हाट गेट्स यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वीडियो सर, फर्स्ट व्यू, थैंक यू, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इसको टीचर्स डे भी बोल सकते हैं, थैंक यू, एक्चुअली वो यस इट वाज यस्टरडे, everyone please keep applauding please। Yeah।
Everybody is doing job, everybody is working. But when you come and encourage children, it gives very good confidence among children. And education is all about confidence. If they get confidence, they can do everything in life. Listen, always encourage them that yes, go and take part. Thank you very much to all teachers. Students have worked very hard, you have seen already. We will be looking forward for your feedbacks. Thankful to all teachers, what they have taught us. And we have been taught by Madhu ma'am, I remember, my chemistry teacher, Manmeet ma'am, I remember, and ma'am, you also I remember, but I do not recall the name. Manin sir, se bohat daant khai hai. Jitna aajkal ke parents, matlab daantne se rokte hai teachers ko, I think that's not good. You should let your teachers, kids' teachers, unko daantne do, tabhi wo samjhenge, because that's what I have learned. I was not able to understand this thing 10 years back, but aaj 10 saal baad main kehti hu mere teachers ne mujhe daanta hai, mere parents ne mujhe daanta hai. I am very grateful for that, because from where, that's the place from where I have learned this. Do you all agree with me, parents? Do you agree? Thank you so much. So please, agar teachers ya koi bhi dean ya chairman agar aapke bachon ko daanta hai, please unhe rokiye mat. बच्चों को बढ़ावा मत दो कि आपके टीचर्स आपको डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि जितनी बार हमने खाई है आई थिंक आजकल के बच्चे नहीं मार खाते हैं. आप मानते हो कोई बच्चा ऐसा है जो मम्मी पापा के मारने के बाद डांटने के बाद शांति से बैठ जाता है? बैलेंस बना रहे होते हैं और हमारे को बैलेंस सब कुछ पड़ा है. मानते हो ना आप लोग, सब कुछ से पिटाई हुई है एंड दैट्स द रीजन आज हम ऐसे हैं. ठीक है, सो प्लीज अपने स्टूडेंट बच्चों को करने दो जो करना चाहते हैं, बट देन डोंट स्टॉप देम फ्रॉम एनीथिंग. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें गलत में भी बढ़ावा दे रहे हो. टीचर्स जो डांट रहे हैं ना, प्लीज मैं तो कहूंगी खुल के डांटने दो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव कि वहीं से एक बच्चे की इंडिपेंडेंसी आती है कि हाँ वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता. वहीं से एक उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस और एक वो आता है, आप कहते हो ना, व्हाट वी कॉल इट सर, कॉन्फिडेंस. यस, कॉन्फिडेंस. एंड एक अच्छा सर, मतलब बच्चे के अंदर ये होगा कि हाँ मुझे ये चीज गलत है, ये नहीं करनी है, क्योंकि किसी का डर होना जरूरी है. स्कूल में किड्स नाउअडेज दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीबॉडी, आई डोंट थिंक सो. पेरेंट्स से भी डरते थे, टीचर से तो क्या ही डरेंगे, करेक्ट? तो हमें को इतना डर था कि हमारी बात घर तक नहीं जानी चाहिए, और आजकल पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं स्कूल की बातों में, विच इज रॉन्ग. नहीं होना चाहिए, मत हुआ करो. अगर टीचर, आपने बच्चे को स्कूल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजा है, कुछ सोच के भेजा है, ट्रस्ट करके भेजा है, तो उनको टीचर्स तक ही रहने दो. ठीक है, आप लोग मानते हो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं पता, बट दैट्स व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, तो प्लीज उसको कहीं भी बच्चों को बढ़ावा मत दो. बच्चे आगे कंप्लेन करें, मेरे टीचर ने मारा, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी की तरह करो, मैम कर दो और थप्पड़ और मारो. ठीक है, तो हमारे साथ यही होता था. आई डोंट नो अबाउट टुडेज जनरेशन, बट दैट्स व्हाट हाउ वी हैव बीन टॉट हियर, वी हैव बीन ब्रॉट अप इन स्कूल. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. थैंक यू सो मच मानसी सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड हियर एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अभी हमारे टाइम क्या है ना, है ना, है ना, कहते मतलब मेरे स्कूल के टाइम पे. ओह रियली, दैट 95. सो गाइस, ये है मेरी केमिस्ट्री टीचर मधु मैम. आई रिमेम्बर मैम आपका नाम याद, प्रियंका मैम, एंड मनमीत मैम भी इधर ही थे. ये रे मनमीत मैम, ये सब मेरे टाइम के हैं. स्पेशल तो क्या बनवाया आपने? थैंक यू मैम. इतना स्पेशल मुझे आदत नहीं है, इतने स्पेशल फील कोई करवाए. थैंक यू मैम. मुझे लेके जा रही है, कौन सी क्लास में जा रहे हो?
प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जा रहे हैं, मधु मैम जो मैंने अभी दिखाया था ना, तो एक क्लास का काउंसलिंग सेशन लेना है एंड दिखाती हूँ फिर आपको। आई होप आपको आज मज़ा आ रहा होगा मेरा स्कूल देख के, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली।
So he helped me making my video. Thank you so much. Pleasure seeing you after a very long time. Thank you. It's always a happy moment when we see our student coming and participating in this school, participating in a way that she took the class, she motivated, counseled them. She asked me that which is the most notorious section in the school. I said 12th arts. And there she went, Kimmel only or I'll counsel them. And I thought it will be just 5, 10, 20 minutes, but she took 2 hours. 2 hours, I took actually two hours of counseling. I hope they understood something. They'll be watching my vlog. They all wrote it down on a paper and then. Let's see how effective it will be. I hope so. I wish it should be effective. And it will be, I'm sure it will be very good. And my best wishes. Thank you so much, sir. Thank you. It was a pleasure coming here and it was an honor that you invited me here. Thank you for coming. Thank you so much, sir. Thank you. So guys, it was a lovely, lovely session here in school. Or जी क्या मैंने मुझे खाती हूँ मुझे बुके मिला. Thank you so much, Manan sir, once again. And here I got this also. और बहुत अच्छा लगा स्कूल आके इतने सालों बाद. मतलब it was lovely coming here back. I hope आप सबको आज का vlog अच्छा लगा होगा. अगर जाके मम्मी को भी दिखाती हूँ मैं सब कुछ. बहुत दिनों बाद ब्लॉग वापस.